नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपण मुस्मी प्रथम नजर पकड़ा हेडलाइंस खसुची पारद बढ़ुचे शीत आसंता तीन दिन मध्य तीन डिग्री पर्यटन ह्रास पाव तापमात्रा दस तारीख सुधा राज्य में संपूर्ण भाव अनुभूत हो शीत लर्नर लाइसेंस पाई हेबो स्लॉट बुकिंग बार बुकिंग सोहळ रे हेबो टेस्टिंग कोविड लक्षण थिले टेस्ट मना नियम न मानिले कड़ा कार्यानुष्ठान श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व 75 मीटर परिधि रे जमी अधिग्रहण प्रसंग सातटी विस्थापित परिवार को 6 सप्ताह मध्य निर्विवाद जमी देवा को जिलापाल निर्देश देले हाईकोर्ट विस्थापित एवं पुनर्वास नीति पालन करने को कड़ा निर्देश राजधानी चांचल्य वृद्ध बापा अंधार घरे आठ दिन धरी कैद रखी बाप पुओं बो सन्देह पर झीवों अभियोग क्रमे पुलिस कला उद्धार शिख संप्रदायर धार्मिक भावना विरोध में बड़ षड्र सामना को आसला पाकिस्तान घृण्य चेहरा करतारपुर गुरुद्वार ना पाक्र मिछ भाईचार पर्दाफाश अण शिख संस्था को टेकला गुरुद्वार परिचालना दायित्व आमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन में भारतीयों दबदबा आठ डेमोक्राट इंडियान आमेरिकियान विजय आमी बेरा प्रमिला जयपाल रो खाना राजा कृष्णमूर्ति बोरा क्रमगत विजयी ट्रंप और बिडेन कड़ा टक्कर एवं आईपीएल क्वालिफायर मुकाबला रोहित वाहिनी ने रोमांचकर विजय दिल्ली को मात दे फाइनाल में पहुंचला मुंबई इंडियंस आसंता काली प्रथम एलिमिनेट बेंगलोर को भेटिबो हैदराबाद देखिबा संपूर्ण खबर आसंता तीन दिन में उत्तर ओडिशार जिला गुड़िक तापमात्रा तीन डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब एथसह दक्षिण ओडिशार 4 डिग्री किंवा ताठारु अधिक पारद खसिब फल नवंबर 10 तारीख सुधा राज्य में संपूर्ण भाव शीत अनुभूत होबठारु कंधमाल कलाहांडी और सोनपुर हालकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़ा आरंभ हो गत 24 घंटा मध्य उत्तर आभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 2 डिग्री रु 3 डिग्री पर्यंत खसिथिबा बेले आगकु आहुरी खसिब धीरे धीरे सारा ओडिशा शीतर कबलित हो आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना मिली एतसह गत 24 घंटे में झारसुगुड़े राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 15.2 डिग्री रेकर्ड हो आठ मास पर पुणी लर्नर लाइसेंस पाई स्लॉट बुकिंग एवं टेस्ट आरंभ होगा जाऊँ 12 तारीख ठारे स्लॉट बुकिंग जाऊँ किंतु कोविड लक्षण थिबा आवेदनकारी को लर्नर लाइसेंस टेस्ट पाई अनुमति मिलना जदि कहीं नियम खिलाफ करती संक्रांत में थाना आरटीओ पक्ष अभियोग नहीं चेतावनी दि जाए राज्य में कोरोना संक्रमण मार्च आरंभ पर मार्च 25 तारीख में लर्नर लाइसेंस सेवा आरटीओ रे बंद कर दिया जाता मार्च 18 तारीख स्लॉट बुकिंग कार्यक्रम बातिल होता जो मैंने एथपाई देय जमा कर सारी देय वैध रहिब आसंता 12 तारीख दिन प्राय 11टा परठारो स्लॉट बुकिंग कार्यक्रम आरंभ होगा जाऊँ दैनिक सकाळ 7टा रु राति 10टा पर्यंत स्लॉट बुकिंग करा जिवो आवेदनकारी सकाळ 7 थिबा बेले एवं स्लॉट पाई आवेदन कले मनपसंद स्लॉट पाई परिबे जे माने लर्निंग लाइसेंस पाई पूर्वरु आवेदन करिछंती केवल सही माने स्लॉट बुकिंग कर परिबे राज्य में पुणी पुंजी निवेश आशा देखाइले सरकार 92,713 कोटी टंकार 5 मेगा निवेश प्रकल्प को मंजूरी देते राज्य सरकार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार अनुषित 24तम HSCL बैठक में यह सब निवेश प्रस्ताव को अनुमोदन मिली विशेषकर लौह इस्पात और सीमेंट आदि शिल्प क्षेत्र में निवेश को मंजूरी दि जाए उपकूल अंचल कलिंग नगर और पारादीप आरंभ कर केन्द्र ओडिशार अनुगुल और पश्चिम ओडिशार संबलपुर आदि ठार एसबू पुंजनिवेश राज्य शिल्पी नीति 2015 कार्यकारी हो दिन ठारूह निवेश प्रस्ताव सबुठ अधिका
अनेपटे सरकार महिला सशक्तिकरण नाम रे महिला मानक स्वावलंबी करबा पई वर्तमान मंडी मानक रे धान किना पई महिला स्वयं सहायक गोष्ठी मानक दायित्व देउछन्ते। एति पई सरकार को किछ निर्दिष्ट गाइडलाइन मध्ये रहिछि जेउ स्वयं सहायक गोष्ठी कोनोसी बैंक डिफॉल्टर एवं कोनोसी पैसा बकेया ऋण खिलाफ करछन्ते सेमाने एथरु बात पडबे। हेले धर्म जा रहिछि कि सातगोड ब्लॉक अंतर्गत नंदंगा मंडी रे धान क्रय पई विभिन्न स्वयं सहायक गोष्ठी माने आवेदन करथरे। हेले बजरंग बळी स्वयं सहायक गोष्ठी को धान क्रय पई चयन करा जायथरा। तेबे कागज पत्र एवं जांच समय रे जहां कागज पत्र रहिछि एवं ताको जो जांच रहिछि उक्त स्वयं सहायक गोष्ठी बैंक ऋण खिलाफ करथिबा सामना को आसबा परे गां रथिबा समस्त स्वयं सहायक गोष्ठी महिला माने एबे उपजिलापालक द्वारस्थ होई डिफ्लेटर एवं थिबा स्वयं सहायक गोष्ठी को धान क्रय को बाद देबा पई दाबी करथिबा कहबा स उपजिलापाल किबा जिलापाल कर्णपात न कले आगामी दिन में आंदोलन करने को चेतावनी देते। सेपटे सामना को आसला पाकिस्तान घृण्य चेहरा शिख संप्रदायर धार्मिक भावना विरुद्ध बड़ षड्यंत्र करतारपुर गुरुद्वार परिचालना अणु शिख संस्था को स्थानांतर पाकिस्तान सरकार मुखा खोली देछे। देखिबा रिपोर्ट शिख संप्रदायर धार्मिक भावना विरुद्ध बड़ षड्यंत्र सामना को आसला पाकिस्तान घृण्य चेहरा करतारपुर गुरुद्वार ना रे पाक रो मिछ भाईचारा रो पर्दाफाश शिख धर्मावलम्बी भावना सह इमरान सरकार को चरम छलना अण शिख संस्था को टेकीदेला गुरुद्वार परिचालनार दायित्व करतारपुर गुरुद्वार परिचालना अण शिख संस्था को स्थानांतर पाकिस्तान सरकार को मुखा खोली देछि। पाकिस्तान रो निष्पत्ति को निंदा करी भारत कहिछि जे एहा शिख संप्रदायर धार्मिक भावना विरोध रे एक षड्यंत्र एवं एहि निष्पत्ति पाकिस्तान रो इमरान खान सरकार को असल मुखा को खोली देछि। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के तौर तरीकों को देख रही है। वहाँ सत्ता का सैन्यीकरण होता था, पहली बार संस्कृति को भी का सैन्यीकरण हो गया है। और मुझे लगता है कि कोई धर्मनिरपेक्षतावादी या धार्मिक व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं कर सकता। उसकी जितनी निंदा हो वो कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दुनिया के बाकी देश भी इस बारे में अपनी राय जरूर देंगे। भारत का संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार तो इस बात की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को चेंज कर दिया है और जो वहाँ पे हमारी गुरुद्वारा कमेटी थी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा के उन्होंने अपनी कोई आईएसआई की टीम लाया है। इस पे भारत सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से आएगी। अपनी तरफ से तो मैं आई कैन एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट एंड आई स्ट्रॉन्गली कंडेम दिस। पाकिस्तान सरकार को एक प्रकार निष्पत्ति विरोध रे प्रतिक्रिया रखी भारत वैदेशिक मंत्रालय प्रवक्ता कहते आमे देखिछु जे पाकिस्तान पवित्र गुरुद्वार करतारपुर साहिब को परिचालना तथा रक्षणबेक्षण को शिख गुरुद्वार प्रभाकर कमिटी ठारु काढ़ी नहीं अण शिख तथा अल्प संख्यक शिख संप्रदाय द्वारा परिचालित एक संस्था को स्थानांतर करिछि। पाकिस्तान रो एही एकपक्षीय निष्पत्ति अत्यंत निंदनीय एवं करतारपुर साहिब कैडर रो आत्मा विरोध रे ओ शिख संप्रदाय रो धार्मिक भावना विरोध रे एक षड्यंत्र। एभली कार्य केवल पाकिस्तान सरकार को असल वास्तवता एवं धार्मिक संख्यालघु संप्रदाय रो अधिकार उपरे कुठाराघात बोली कहिछि वैदेशिक मंत्रालय। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आसवा परवर्ती खबर को पुरी जिला काठो शिल्पी एवं काठ कारीगर संगठन पक्षर तीन दफा दाबी नहीं संगठन पक्षर जिलापाल कार्यालय सम्मुखें प्रतिवाद दावीपत्र दि जाए। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एमएसएमई अंतर्भुक्त यूनिट मानी आसीतिबा कोविड सहायता काठ शिल्पी एवं काठ कारीगर को जगैवा निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड सहायता और मासिक 3000 पेंशन जगै देवाक दावी कर। सेपटे दिनकु दिन कोरोना महामारी आक्रांत संख्या वृद्धि पाउछि एहाकु नै केन्दुझर जिला प्रशासन मध्य सजाग रहिछि। आगामी 4 मास शीत ऋतुर प्रभाव सारा देशर अनुभूत हेबो। ए शीत ऋतुरे कोरोना आक्रांत संख्या वृद्धि नै प्रशासन आशंका करुछि। एहि आशंका को देखि लॉकडाउन समयकु
जो मंदिर प्रवेश रोक लगे पुणि थे रखी जिला प्रशासन एवं यही आशंका को देखी केन्दुझर जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ तारिणी मंदिर प्रवेश में जिला प्रशासन आगामी दुई मास पर्यंत न खोलने निष्पत्ति नहींपरी काली पूजा एवं यहाँ अनुष्ठित मेला को बंद करने को निष्पत्ति नहीं जिलापाल प्रकाश कर आम जिलार सबको मानने जो अच्छी आम जिले में जो ठाकुर अच्छा माँ तारिणी के मंदिर अच्छी कि बलदेव मंदिर अच्छे आम आलोचना करूँ मंदिर मैनेजमेंट कमिटी संगे तो मैनेजमेंट कमिटी और समस्त स्टेक होल्डर संगे मोर आलोचना ही समस्त कहवाक अच्छे बर्तमान जेहतु शीत सीजन अच्छी प्लस मजर आम दुर्गा पूजा प्लस विभिन्न फेस्टिवल्स भी आसूँ तो बर्तमान रिस्क अधिक अच्छी कोरोना स्प्रेड हो तो बर्तमान समस्त मत थी कि बर्तमान मंदिर ओपन करें बर्तमान जमी अच्छी मंदिर बंद रही एटलिस्ट आर दुई मस से रहा आम देखेंगे फिर संबलपुर कुचिंडा सहर मंत्रीमुंडा अंचल में तैयार होता एमसीसी परिसर दे जा एक रास्ता को बंद कर बाउंडरी देवाई एनएससी कार्य आरंभ करने को जाता बेले मंत्रीमुंडा ग्रामवासी विरोध करते पूर्व पुरुष रास्त लोक मैंने जातायात सहित एवं चाष जमीन अमल हो जा फसल को नेपाई एकम्र रास्ता नूतन रास्ता एनएससी निर्माण करने रास्ता बंद कले आपत्ति नहीं रास्ता बंद कर दावी कर विरोध करते अनुगुल जिला किशोरनगर ब्लक बैंडा छक अंचल देखा मिली एक दुखद घटना बैंडा छक आठमल्लिक रोड अंचल निरंजन प्रधान पुओ कान्हा प्रधान बैंडा छक 55 नंबर जातीय राजपथ कड़े पोखरी को गाधवाई जाता बेले बुड़ी जाए मृत्युवरण करते सूचना अनुजाई मृत कान्हा पूर्वर हापर नामक रोग से आक्रांत थे कि दुर्भाग्यवशत आज गाधोवाई जाता बेले हठात हापर आसी जाता पोखरी एत गभर था कान्हा पा भितर बाहरी नपारी मृत्यु मुखरे पड़े स्थान लोकों कहानुजाई जड़े महिला से ही बाट दे जा बेले कहीं जोड़े पा भितर बुड़ी जाता देखा पाई से आखपाख लोक जनवापर बैंडा फांडे अधिकारी अरुण कुमार पंडा आसी घटनास्थल में पहुंची आठमल्लिक अग्निशम विभाग को जड़ाते तत्क्षणात आठमल्लिक अग्नि विभाग कर्मचारी आसी पहुंची शवटी को खोजी बाहर करते बैंडा फांडे अधिकारी अरुण कुमार पंडा शव जबत कर अपमृत्यु मामला रे एक मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद पठाई अनेपटे श्रीमंदिर 75 मीटर सुरक्षा जोन विस्थापित होता व्यक्ति को थैथान करने आरंभ कर पूरी जिला प्रशासन विस्थापित बासली साही मौजार 7 जन परिवार को पूरी मंगलाघाट मौजा गदाधर हाईस्कल निकट में घर कर रहा जगह जगैला जिला प्रशासन प्रत्येक परिवार को 1000 स्क्वायर फुट रमी दि जाता नुआ घर करने भूमि पूजन जोठे प्रशासनिक अधिकारी मैंने उपस्थित थे कि विडंबनार विषय जो दिन विस्थापित मैंने घर तोलवा आरंभ करते से ही जगह मान्यवर हाइकोर्ट निकट में एक केस रही जानवाक पाई तेज प्रशासन द्वारा विस्थापित मानक दि जा जमीर दाबीदार कर परिवार बोली हाइकोर्ट निकट में एक सत्यपाठ दाखल होता मान्यवर हाइकोर्ट पूरी एसडीजेएम कोर्ट को यार विचार करने को करे विस्थापित 7 जन पर प्रशासन द्वारा दि जा जमी कर परिवार बोली सुनिबा को मिलथला एवं सेपटे प्रशासन द्वारा दि जा जमी कर परिवार जानिबा परे श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वर विस्थापित 7 जन परिवार मान्यवर हाइकोर्ट को द्वारस्थ होते तेज 6 सप्ताह मधे विस्थापित मानक निर्विवादी जमी जगह देवा जिलापाल हाइकोर्ट निर्देश देते अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन में भारतीयों दबदबा 4 डेमोक्रेट इंडियन अमेरिकी विजय आमी बेरा प्रमिला जयपाल रो खाना राजा कृष्णमूर्ति बोरा क्रमागत विजय होती ट्रंप और बिडेन चलती कोडा टक अमेरिका लोकसभा इंडो अमेरिकियों दबदबा 4 डेमोक्रेट इंडियन अमेरिकन विजय दिल्ली जन्मित कृष्णमूर्ति तृतीय थर पर यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निर्वाचित होती
ଆମେରିକାର 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଆମେରିକାନ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ଆମେରିକାରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଅନେକ ଲ ମେକର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠକମାନେ ବହୁଥର ୟୁଏସ୍ଏ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୂଳର କମଲା ହାରିସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ତରଫରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଇନଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆମି ବେରା, ପ୍ରମିଲା ଜୟପାଲ, ରୋ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି। ବେରା କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସପ୍ତମ କଂଗ୍ରେସନାଲ ଜିଲ୍ଲା ଜିତିଛନ୍ତି। 55 ବର୍ଷୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କର ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବଜାଜ ପ୍ୟାଟରସନ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 47 ବର୍ଷୀୟ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଲିବରିଟାରିଆନ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରେଷ୍ଟନ୍ ନେଲସନ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋ ଖାନ୍ନା ବା ରୋହିତ ଖାନ୍ନା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ସାଥୀ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକା ରିତେଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରମିଲା ଜୟପାଲ ୱାଶିଂଟନ୍ ରାଜ୍ୟର ସପ୍ତମ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ କ୍ରା କେଲ୍ଙ୍କୁ 70% ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଜୟପାଲଙ୍କୁ 344,541 ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳର 2 ଜଣ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ହେଲେ ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀ ଓ ଜେନିଫର ରାଜକୁମାର। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ 29 ବର୍ଷୀୟ ମାମଦାନୀ ଭାରତର ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ଡାଇରେକ୍ଟର ମୀରା ନାୟରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୈତାନ ପୁଅ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ କଏଦ କଲା ପରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲେ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୁ। ସନ୍ଦେହ ପରେ ଝିଅ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବନି, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭାତ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଜି। ସୈତାନ ପୁଅ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ କଏଦ କଲା ପୁଅ, ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲା ପୁଅ। ସନ୍ଦେହ ପରେ ଝିଅ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ବାପାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୁ। ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନବଘ୍ନ ସେଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ଧରି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ନହେବାରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଝିଅ ସୌଦାମିନୀ ସେଠୀ। ବାପା ଥିଲେ ଏବେ ପଳାଶୁଣୀରେ ଥିଲେ, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇଥିଲେ, ମାରଧର କରିଥିଲେ, ବରଫ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଦିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୋହୁ ସିଏ ଭାଇ ପୁଅ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ନଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାରେ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କର, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାରେ, ଆଉ ମୋ ବାପା ଭଲରେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝିଅ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋହୁ ମାରପିଟ କରିବା ସହ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଖେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ। ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 57 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 200 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ। ଇଶାନ କିଶନ 55 ରନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ 51 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 201 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ 20 ଓଭର୍ରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 143 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ଏଲିମିନେଟର୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏହି ବିଜୟ ସହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା କି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ
आसंता काली खेल प्रथम एलिमिनेटर एवं यह मैच में बेंगलोर को भेटिव हैदराबाद मैच आबुधाबी खेल सूचना रही है। तेज आईपीएल 2020 प्रथम क्वालिफायर दिल्ली कैपिटाल्स को 57 रन्रे हराइला मुंबई इंडियंस एही विजय सह सीधासलख फाइनाल पहुंची। मुंबई इंडियंस प्रथम बैटिंग करी मुंबई इंडियंस टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट हराई 200 रन स्कोर करथला। दिल्ली पक्षर ईशान किशन 55 रन एवं सूर्य कुमार यादव 51 रन स्कोर करथले। 201 रन विजय लक्ष्य को पीछा करथबा दिल्ली कैपिटाल्स प्रारंभिक बैटिंग विपर्जय सम्मुखीन होता। दिल्ली रु जहाँ रही कि दल रु खाता खोल पूर्व दल तीनोटी विकेट हराई सारिथिला। मार्क्स स्टोनिस एवं अक्षर पटेल का इनिंग्स जो दिल्ली 20 ओवर में 7 विकेट हराई 143 रन कर पारिथिला। किंतु सबुठ बड़ कथा होछि विजय सह षष्ठ थर पर आईपीएल फाइनाल पहुंची मुंबई इंडियंस टीम। आसंता काली खेल प्रथम एलिमिनेटर ए मैच रे बेंगलोर को भेटिव हैदराबाद। सेपटे राति पहले पानी पाई रेस गरा बाल्टी धरी चुआ पाखे जमुच्छे भिड़। मयूरभंज जिला कप्तिपदा ब्लक बेतझरण गाँव में जलजातना गाँव में बसवास कर 40 परिवार हेले दीर्घ वर्ष है पानी जल समस्या दूर हो पारा ना। राति पहले पानी पाई रेस गरा बाल्टी धरी चुआ पाखे जमुच्छे भिड़। मयूरभंज जिला कप्तिपदा ब्लक बेतझरण गाँव में जलजातना गाँव बसवास कर 40 परिवार हेले दीर्घ वर्ष है पानी जल समस्या दूर हो पारा ना। गाँव में गोटे भी हेले नलकूप नोपाई जल पाई डहल विकल ग्रामवासी फल गाँ ठू कि दूर जंगल मध्य चुआर पा आोष मेटाऊँ सका सका महिला आरंभ कर पुरुष पर्यत मठरी पा आहरी पड़ती झरणा पा नहीं पी आम गाँव में ट्यूल ना से देहर काच कुंडिया बाहर झाड़ा बांति भी होती बर्षा दिन गुंडिया हुए पानी सेमती क्री आम नहीं कि पीछे खाऊ झरणा पा आम पीछे भल ना पतर पड़ी आईटा ये हूँ जीवाणु हूँ से पानी पी कि काच कुंडिया भी होउची। गाँव में पानी जल समस्या नहीं अनेक थर प्रशासन दृष्टि आकर्षण करिछंती ग्रामवासी हेले आज जाए समस्या समाधान हो पारा ना। सेपटे ए संपर्क में आम प्रतिनिधि काप्तीपड़ा विडीओ प्रतिक्रिया ने चेष्टा करते हेले से कैमेरा सम्मुखें किसी कह मना करदे आमर पा असुविधा कौन आम झरणा पा ट्यूल ना ये खरा बेले भी सुखी जाए कम पा था बर्षा दिनिया भी मानने ये पाटा ना आम बर्षा बेस वर्षा है ये हो जाए जो बढ़िया हो जाए हाँ हाँ कौन करमर पा से सुविधा ना हूँ ज्वर होस थंडा एमती धरू छुआ मान को भी ज्वर हो बड़ लोक को भी एमती ज्वर हो पा पी पानी जल निमंते सरकार बसुधा टू आरंभ करी केते कौन योजना करिछंती हेले बेतझरण गाँव पानी जल समस्या समस्त योजना को जेपरी उपहास करुछि। मयूरभंज जिला उदलारु संतोष कुमार बाछनी का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त राज्य देश दुनिया तमाम खबर जानवे देखु था अर्गस न्यूज। नमस्कार।